सुप्रीम कोर्ट नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों की नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया गया। नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। अदालत ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले लीं। फैसले में कहा गया, निजी रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को कहा कि इन रेस्टोरेंट को दीगर इलाकों में तरजीही बुनियादों पर लीज दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में तजारती सरगर्मियों की नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया गया। नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट को हटाने का फैसला बरकरार। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से बताइएगा। जहांजेब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में कायम जो रिहायशी सरगर्मियां हैं या रेस्टोरेंट्स जो कायम किए गए थे उनको हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटिशन खारिज कर दी हैं। जब ये मरकजी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुन के फैसला दिया था कि अगर CDA दीगर इलाकों में इस्लामाबाद के अगर कोई लीजेज देता है रेस्टोरेंट्स को तो उस मामले पर जो नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स हैं इनको लीज के मामले के ऊपर तरजीह दी जाए और इस पर रजाकाराना तौर के ऊपर इन रेस्टोरेंट्स मालकान ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम ये रेस्टोरेंट्स यहाँ से मुंतकिल कर देंगे। तो जब रिव्यूज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि रजाकाराना तौर के ऊपर पहले इससे एग्री करना और फिर बाद में इसके रिव्यू फाइल करना ये अदालत के खिलाफ तोहीन आमेज रवैया है और इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि इन रेस्टोरेंट्स मालकान को तरजीह दी जाए उस ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने हजफ करते हुए फैसला बरकरार रखा है। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी।